डेस्टिनेशन हिल टॉप कश्मीर, एक ऐसी जगह जिसे धरती को स्वर्ग कहा गया है, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ही होगी। गुलमर्ग कश्मीर वैली में ही बसा एक छोटा सा रिजॉर्ट टाउन है, जो एशिया की हाईएस्ट गोंडोला केबल कार राइड्स और स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर आपको गुलमर्ग की नेचुरल ब्यूटी, जो कि वहाँ की ब्यूटीफुल वैलीज और स्नो केप्ड ब्यूटीफुल पीक्स में बसी है, अगर उसको सच में फील करना है तो गोंडोला केबल कार राइड का एक्सपीरियंस लेना बनता है, जो कि आपको सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेके जाएगी। और इस राइड में जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो आप देखते ही रह जाएंगे। सो हाई गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम कश्मीर ट्रिप, एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ आर विजिट टू गुलमर्ग। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम अपर्वत पीक, जो कि गोंडोला स्टेशन के फेज टू में है, वहाँ जाने वाली केबल कार में बैठ गए हैं। बेस स्टेशन से फेज वन स्टेशन जब हम गोंडोला में बैठे तो व्यूज काफी अच्छे थे, लेकिन बर्फ थोड़ी कम थी। पर फेज वन से अपर्वत पीक के लिए जब हम गोंडोला में बैठे तो रास्ते का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। चारों तरफ पहाड़ियों में चांदी सी चमकती हुई बर्फ थी और उसमें लगे खूबसूरत से देवदार के पेड़। बहुत ज़्यादा सुंदर जर्नी थी वो 12 मिनट की। और आप लोग इतनी ज़्यादा हाइट पर होते हैं कि जो जर्नी है वो अपने आप में ही काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी थ्रिलिंग भी हो जाती है। थोड़ी देर में हम अपर्वत पीक की समिट पर पहुंच गए, और गोंडोला से बाहर निकलते ही जो व्यूज थे वो काफ़ी मेस्मराइजिंग थे। बार बार ये लग रहा था कि इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ, इट इज हेयर, इट इज हेयर। यहाँ पहुँच के ऐसा लगा जैसे कि आप किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हो। इतनी शांति थी, इतने सुंदर व्यूज और इतना साफ एनवायरमेंट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेरी टेल लैंड में पहुँच गए हैं। गोंडोला स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ही आर्मी का बेस कैंप भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस एरिया से LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बस कुछ ही किलोमीटर्स पर थी। मतलब कि यहाँ से पाकिस्तान की दूरी बस कुछ किलोमीटर्स की थी, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू आर सोल्जर्स, जो कि इतनी एडवर्स वेदर सिचुएशंस में भी हमारी देश की रक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। गुलमर्ग वेस्टर्न हिमालयस की पीर पंजल रेंज में सिचुएटेड है, और ये जो सामने रेंज दिख रही थी ये पीर पंजल माउंटेन रेंज ही थी, जिसके काफ़ी ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिख रहे थे। स्नो कैप्ड माउंटेन व्यूज इतने ज़्यादा स्टनिंग थे कि मन कर रहा था बस यहाँ बैठ के सामने देखते ही रहो। ब्यूटी ऑफ नेचर इज ऑलवेज ओवरवेलमिंग, यू जस्ट कांट गेट एनफ ऑफ इट। पर वापस तो जाना ही था, क्योंकि विंटर्स में दिन ऑलरेडी छोटे होते हैं और ठंड बढ़ने लग जाती है। लेकिन इतने सुंदर माउंटेन व्यूज के साथ अगर मैगी नहीं खाई तो क्या किया। आई रियली डोंट नो वाई, बट आई ऑलवेज फील कि मैगी का टेस्ट माउंटेन के एलिवेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा आप हाइट पर होते हो उतनी ज़्यादा मैगी टेस्टी लगती है। मेरे लिए ये अभी तक की सबसे बेस्ट मैगी थी, वेरी डिलीशियस, सूपी एंड सूदिंग, एकदम वेदर एंड पिक्चर परफेक्ट।
मैगी खाने के बाद हमने थोड़ी देर और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय किया, बाय द वे विच वॉज वर्थ एवरी पेनी। और उसके बाद हम लोग टाइम से फेज़ वन के लिए निकल गए, क्योंकि वापस जाते टाइम हमें कोंगडूरी फेज़ वन स्टेशन को भी एक्सप्लोर करना था। हम ऑलमोस्ट 14,000 फीट की हाइट पर थे, तो यहाँ पर ठंड काफ़ी लग रही थी, लेकिन लकीली वेदर काफ़ी क्लियर था और धूप भी निकली हुई थी। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी क्लाउडी रहता है और बारिश होने लग जाती है। कभी कभी किसी को ऑक्सीजन की कमी भी फील होने लगती है, इसलिए बेटर रहता है कि अगर आपको फेज़ टू जाना ही है तो आप टाइमली 2 बजे से पहले यहाँ आ जाएं, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर करके वापस 3 बजे तक का यहाँ से चले जाएं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तक का ये बंद हो जाता है। माउंटेन टॉप से नीचे जाने पर व्यूज और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। गोंडोला के टॉप स्टेशन से नीचे आने पर टोटल पैराडाइज वाली फीलिंग थी। अभी हम व्यूज एंजॉय कर रहे थे कि गोंडोला, जो कि काफ़ी स्पीड से चलती है, वो सडनली रुक गई और हवा में झूलने लगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मोमेंट थोड़ा थ्रिलिंग हो सकता है उनके लिए जिनको हाइट से डर लगता है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली गोंडोला केबल कार में इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म रहता है। जब भी वो ऑपरेट करते टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स डिटेक्ट करता है, तो केबल कार का सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है कि गोंडोला अपने आप रुक जाती है और तब चलने लगती है जब हवा की स्पीड उसके चलने लायक हो जाती है। तो ये काफ़ी एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग मार्वल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि डेली विजिटर्स को 14,000 फीट की हाइट पर लेके सेफली वापस आती है। अब हम फेज़ वन कोंगडूरी स्टेशन पहुंच गए थे। यहाँ बर्फ कंपैरेटिवली कम थी अपर्वत पीक से, लेकिन फेज़ वन में स्नो एक्टिविटीज़ और खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। सो फेज़ वन थोड़ा कमर्शियल होता है और फेज़ टू पीसफुल। विजिटर्स दोनों ही जगह जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मोस्टली जिनके छोटे बच्चे होते हैं या जो एल्डरलीज होते हैं, वो मोस्टली फेज़ वन तक ही जाते हैं और फेज़ टू अवॉइड करते हैं, क्योंकि फेज़ टू थोड़ा हाइट पर है, वहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज और मौसम कभी कभी जल्द एकदम से बदल जाता है। हमने भी थोड़ा यहाँ पर आकर स्नो एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया और स्नो में स्लेज राइडिंग करी। यहाँ पर भी हर एक्टिविटीज़ के लिए आपको अच्छे से बार्गेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेट फिक्स नहीं रहते हैं, तो आप जितना बेटर बार्गेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ से भी व्यूज़ काफ़ी सुंदर थे, बट फेज़ टू की बात अलग थी, वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहता है। अब सनसेट का टाइम होने लग गया था और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी होने लगी थी, तो हम लोग बेस स्टेशन के लिए जाने वाली क्यू में लग गए। पीक सीजन में क्यू बहुत लंबी हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप टाइम से बेस स्टेशन चले जाएं, इससे पहले कि ठंड ज़्यादा हो जाए और मौसम ख़राब हो जाए। फाइनली हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहाँ पहुँच गए थे, यानी कि गोंडोला का बेस स्टेशन, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। हमारा गोंडोला केबल कार राइड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और जो व्यूज़ थे फेज़ टू चाहे फेज़ वन, वो काफ़ी स्टनिंग थे।
ये जो सामने दिख रहा है ये गोंडोला का जो बेस स्टेशन है उसका वेटिंग रूम है, जहाँ पर सुबह लोग क्यू में लग के अपनी गोंडोला केबल राइड का वेट करते हैं। तो अब हमें क्योंकि श्रीनगर वापस जाना था और सनसेट भी हो चुका था, यहाँ पर काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी, बट नॉर्मली अगर जिनके पास टाइम ज़्यादा रहता है वो लोग यहाँ पर नियर बाय प्लेसेस भी घूम सकते हैं, जिनमें आज़ादी के पहले जो यहाँ पर महाराजा का रूल था, राजा हरि सिंह, उनका पैलेस है और एक स्ट्रॉबेरी गार्डन है। तो ये दोनों जगह भी काफ़ी अच्छी हैं एक्सप्लोर करने के लिए। गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड से अराउंड 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही एक महारानी टेम्पल है। ये एक छोटी सी पहाड़ी में बनाया गया है और इस टेम्पल को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की वाइफ महारानी मोहिनी सिसोदिया ने बनवाया था और ये भगवान शिव जी और माता पार्वती का मंदिर है। हम भी इस मंदिर में गए और हमने यहाँ पर पूजा करी। 1970s का एक फेमस गाना है जय जय शिव शंकर, जो कि बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पर, उस गाने की शूटिंग भी इसी मंदिर में हुई थी। इसके बाद हम लोग वापस श्रीनगर गए और हमने अपने होटल में डिनर किया और ये हमारी काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग।